गुड मॉर्निंग टीम्स इकोनॉमिक्स, अपना गल कर दें गोल्ड एनालिसिस की। जिमें कि पता है गोल्ड अपना आल टाइम हाई बना के जोड़ा कि 2305 एक वैल्यू बना के अच एक पुल बैक की फेज च आ गया है। बैक टू बैक टू डेज इन्होंने जोड़ा है डेली कैंडल पुल बैक किया। सो पहला गल कर लेंगे आप न्यूज़ की, अज हाई पोटेंशियल न्यूज़ है। सो 6 बजे शाम के नॉन फार्म पेरोल जी कि मार्केट में मूव करेगी, उस वेले एवरेज अवरली अर्निंग मंथली मार्च महीने की वो डाटा जोड़ा है US लेबर डिपार्टमेंट डिकलेयर करेगा, जोड़ा कि US की इकोनमी की हेल्थ की जोड़ा है एक इंडिकेटर इंडिकेशन करेगा। फिर हैगा अनइंप्लॉयमेंट रेट जोड़ा कि फिर 6 बजे, ये तिने डाटा मिलकर जोड़ा है मार्केट में वधिया एक साइड की मूवमेंट दे सकते हैं। सो दो चांसिज ने, या तो जोड़ा है गोल्ड 2180 तक वापस आएगा, या फिर यह 2305 का आल टाइम हाई तोड़ के जोड़ा है अपसाइड की मूवमेंट पकड़ेगा एक न्यू हाई बनाने के लिए। जिमें आप हम गल करते हैं गोल्ड डेली कैंडल दे विच अपरों रिजेक्शन लेके गोल्ड एक वापसी कर चुका है डाउन साइड से, इनू असी पुल बैक भी कह सकते हैं क्योंकि जदों तक यह नहीं टुटदा आ वाले कैंडल्स का 3 दिन पहला की जी कैंडल हैगी है ग्रीन वाली यदा लो उदों तक पुल बैक ही मनिया जाएगा, उस तो बाद जोड़ा है रिवर्सल हो सकता है मार्केट के। सो ये आप देखना है। प्लस दूसरा कितने तक ड्रॉप करेगा गोल्ड डेली के अकॉर्डिंग, अगर इतों ड्रॉप होना शुरू होता है फिर गोल्ड एटलीस्ट 2188 तक आ सकता है, 2188 2183 2083 एक ऐसा लेवल है जोड़ा ऑलवेज एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। सो इस लेवल तक गोल्ड आ सकता है। सो जे आप गल करिए अपनी कि किमें 4 आवर से यह मार्केट दस रही हैगी है, 4 आवर के बीच डबल टॉप बनया, इतने आके मार्केट रिएक्ट की, फिर आके डबल टॉप का जोड़ा है एक असाइनमेंट लेके मार्केट फिर डाउन आई, लेकिन उन्हें ये लो नहीं तोड़िया। सो स्टेप बाय स्टेप मार्केट जी डाउन आएगी तो वो इंज हैगा कि मार्केट पहला इतों रिटेस्ट करके इस लेवल तक आएगी 2230 तक, फिर उस तो बाद 2188 तक मार्केट या जी हैगी सफ़र तय करेगी नीचे का। कैंडल स्टिक पैटर्न का ख्याल रखो। सो येगा 4 आवर के अकॉर्डिंग, 1 आवर के अकॉर्डिंग अपसाइड तो प्लेन एरिया तो रिजैक्शन लेके इनफ्लुएंस बनया, इतों रिजैक्शन लेके मार्केट डाउन आ रही है, बट इतों वापसी की कोशिश तुम देख सकते हो। पहला भी ये एरिया एज ए रजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रजिस्टेंस रजिस्टेंस सपोर्ट, तो इस वेले भी सपोर्ट की तरह काम करता नज़र आ रहा है। सो 1 आवर के जिमें देख सकते हो कि बैक टू बैक वॉल्यूम बड़ा घट हैगा, लेकिन जिमें कि इतने होया सेम उदा का भी इतने सिनारीओ रिपीट हो सकता है, अपवर्ड की मूवमेंट हो सकती हैगी है। सो ट्रिपल बॉटम की तरफ भी मार्केट जी है वह जा सकती है। सो 30 मिनट देख लो, 30 मिनट जिदे बेस से आप ट्रेडिंग करते हैं, 30 मिनट वॉल्यूम बड़ा घट हैगा, बहुत साइड वीक ने, बट डाउन साइड ले जा सैलर इतने फेल होए ने। सो 2266 का जोड़ा है एक सपोर्ट जोन हैगा है, वह ब्रेक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, बट इस वेले असी नो ट्रेडिंग जोन च है अपसाइड डाउन साइड देर इज़ ए नो वे आउट कि असी मार्केट नू ट्रेड करिए। सो यह एक नो ट्रेड जोन हैगा, ओके नो ट्रेड जोन च अपना इस वेले है अपसाइड ब्रेक होंगे, फिर यह 2283 तक मीनस 100 pips की एक मूवमेंट सानू दे सकता है, बट बी केयरफुल क्योंकि मार्केट दे विच अज फ्राइडे भी हैगा, कुछ ट्रेड अपनी थोड़ी फस ना जाए, इस करके स्कैल्पिंग माइंडसैट के नाल ही ट्रेड करना। सो इस वेले तोड़न की कोशिश तुसी देख सकते हो इस कैंडल बैक टू बैक 5 मिनट के कितनी दफ़ा ट्रिपल टॉप एक्चुअली बन चुका है, एक रजिस्टेंस एरिया इतने बहुत वधिया क्रिएट होया है जिहड़ा कि अगर टुटता है फिर वधिया मूवमेंट अपसाइड की दे सकती है, टारगेट होएगा 2285 अपसाइड का, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। लंदन के सानू देखने को मिल सकता है, फिलहाल तो इस वेले क्योंकि वॉल्यूम बड़ा घट हैगा सो खास तुम मूवमेंट नज़र नहीं आएगी, ठीक है।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰੋ, ਸਟੋਪ ਲੋਸ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦ ਰੂਲਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸੇਫਲੀ ਗਾਇਜ਼, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।